नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक पे आप सभी का बहुत स्वागत है। एंटेलिया केस में बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ कहानी में जुड़ना भी बाकी है। कहानी में आए दिन नए किस्से जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन ये भी साफ हो रहा है कि धंधा है पर गंदा है। पुलिस को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीति कैसे सफेद कपड़ों के पीछे है। और हाँ, एंटीलिया के केस के बाद नए खुलासों ने महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और भाजपा को हमलावर होने का मौका दे दिया है। नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में भाजपा नेताओं ने आज यानी कि बुधवार को फडणवीस की अगुवाई में भाजपा नेताओं ने बुधवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों, ट्रांसफर विवाद और सचिन वाजे समेत कई मामलों पे भाजपा ने राज्यपाल को इसमें दखल देने की बात की। उधर राज्यपाल से भाजपा नेताओं की मुलाकात पर संजय राउत का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आज जो लोग मिलने गए वे सब भाजपा के नेता हैं और भाजपा के कार्यकर्ता हैं, राज्यपाल भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये उनके घर की मुलाकात है। और संजय राउत राजपाल को भाजपा का कार्यकर्ता बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो पहले भी संवैधानिक पद पे थे, लेकिन वो भाजपा के कार्यकर्ता ही है, वो उनको उसी रूप में देखते हैं। राज्यपाल से मुलाकात के बाद फडणवीस ने कहा कि राज्य में इस समय अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमने 100 से ज्यादा मुद्दों को लेकर के राज्यपाल से बात की है। 100 से ज्यादा मुद्दों पे, 100 करोड़ और 100 से ज्यादा मुद्दों पे राज्यपाल से बात की है। उनका जवाब सरकार दे। पुलिस का इस्तेमाल पैसा वसूली के लिए किया जा रहा है। जिन अफसरों को ट्रांसफर के बहाने धमकाया जाता है, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। फडणवीस ने कहा कि जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों सामने आ रही हैं, वे चिंताजनक है। इन घटनाओं पे मुख्यमंत्री का मौन भी बहुत सारे सवाल खड़े करता है। शरद पवार ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन दोनों में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने मंत्री और लोगों को बचाने की, कवर करने की कोशिश की है। फडणवीस ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार अब महावसूली आधारित सरकार बन चुकी है और अब जनता को न्याय दिलाना बेहद जरूरी है। कांग्रेस का कोई चेहरा बचा नहीं है, कोई नीति बची नहीं है। जो भी मामले सामने आ रहे हैं वे साबित करते हैं कि ये सरकार सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए कुछ करने वाली है। मैं सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन सब में कितना मिल रहा है। आप ध्यान दे रहे हैं कि उनको इस सब में कितना मिल रहा है। इन सभी मामलों पे हमने राज्यपाल से जांच करने के लिए कहा है। तो दोस्तों, ये थी एंटेलिया मामले से जुड़ी हुई खबर, जिसने पूरी राजनीति में उथल पुथल मचा के रखी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए एमबी स्पीक्स। और एक और बात, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए और अपनी राय मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।